गया है पूरा। जो है ना एक घंटा लगेगा और मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ आपका जो आलवे स्टेशन है ना, आलवे से मैं करीमगढ़ जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस जगह है और बाहर के लोग जो है ना ज़्यादातर वहाँ पे ही काम करते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे फिर जो करीमगढ़ मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आज शनिवार है तो कल संडे है, तो उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और आलवे स्टेशन आप लोगों को आगे मैं दिखा दिया और पहले भी इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो ऐसा है और बस का नज़ारा कुछ ऐसा सीन है और जो क्या होता लोकल बस कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है। धूप तो बहुत तगड़ा वाला धूप है और ये देखो स्टेशन जो करीमगढ़ वगैरह जाते हैं ना, देखो बस एक के बाद एक लगते ही रहे, तो वैसा कुछ सीन है। यहाँ से लगभग आपका 20 किलोमीटर दूर है, लगभग करेक्ट नहीं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग 20 किलोमीटर दूर। ये देखिए ये सब जो है ना हर एक जगह जाने के लिए बस वगैरह लगा हुआ है, मतलब हर एक जगह पे जाते हैं ना, तो मतलब अलग अलग जैसे करके ना मतलब अलग अलग पार्ट हो गए खड़े रहते हैं यहाँ पे ना, बहुत जो है ना बहुत ही मतलब नियम कानून से होते हैं, मतलब कुछ भी कहाँ पे भी गाड़ी खड़ा कर दो वैसा कुछ सीन यहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत तगड़ा वाला है। और वो जो दिख रहे हैं ना AKSRTC है जो कि केरला का गवर्नमेंट का बस है, ये जो है ना ये प्राइवेट बस स्टैंड पे घुसता भी नहीं है, तो वो समझ रहे हो प्राइवेट बस स्टैंड का और AKSRTC का रोड भी अलग है, मतलब रास्ता ही अलग है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी तो फिलहाल का 248 हो गए, देखते हैं। मैं आप लोगों को बोला था उससे पहले का वीडियो में क्या था, जो साउंड सिस्टम वगैरह बहुत तगड़ा है बस में, आप लोगों को अभी तक शायद आवाज़ आ रही है ज़्यादा सुनाएंगे ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो वो और एक दिक्कत है, तो वही प्रॉब्लम है। तो फिलहाल जो है ना मैंने टिकट ले लिया, ये देखिए 25 रुपये का है और ये देखिए पूरा डेट वगैरह गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है, तो ठीक ठाक दूरी पर ही है। आलवे में ना बहुत बड़ा बिल्डिंग वगैरह भी है, छोटा मोटा टाउन है लेकिन बिल्डिंग बहुत तगड़ा वाला है, वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऐसा कुछ है बोल रहा था ना यहाँ पे जो है ना, हाँ वो रस्सी देते हैं ना इसको खींचते हैं तो वहाँ पे साउंड होता है, फिर लोग मतलब उठते हैं नामते जो भी होता है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा कुछ है। और मैं आप लोगों को बोला भी था कि सामने का जो है ना सामने सब लेडीज लोग है और पीछे जो होता है ना सब मतलब जेंट्स लोग, ये देखो।
सामने देखो कितना अनार का खेत है ना, ये हम लोग अनार का बोलते हैं इसको। और सामने आप लोगों को ये देखने को मिलेगा रबर बगान, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। ये पूरा रबर बगान है यार, क्या तगड़ा वाला है। करीमपुर में आके पहुंच गया। अभी ये बस स्टैंड नहीं है, अभी बस स्टैंड में जाएगा, लेकिन लोग सब उतर गए, पता नहीं मुझे तो इतना एक्चुअली पता नहीं यहाँ पे उतरते हैं या फिर स्टैंड में बैठे रहे। मेरे साथ एक और ये बैठा है, इनसे पूछा बोला कि ये जाएगा स्टैंड तक, तो देखते हैं क्या होता है। और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगभग 45 मिनट्स लग गए हम लोगों को, वो तो देखते हैं। और नज़ारा तो बहुत शानदार सा है, कल अच्छा से पता चलेगा, कल संडे है ना तो कल पता चलेगा, आज तो इतना लोग नहीं है क्योंकि सब लोग सो शायद काम से आ रहे हैं ना, शनिवार है तो कल पता चलेगा, फिर कल आप लोगों को दिखा पाऊंगा अच्छा से। यहाँ पे आते ही ना गांधी जी के गोल्डन इसमें ना मूर्ति बना के रखा है, और यहाँ के जो CPIM पार्टी है ना इनका झंडा है शायद, ये मुझे करेक्ट पता नहीं, अगर गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा। अभी इसमें जा रहा है देखिए बस स्टैंड की तरफ, तो फाइनली गाइस हम लोग जो है ना, हम लोग तो नहीं मैं बस अब पहुंच गया करीमपुर बस स्टैंड पे। भाई ये तो बहुत बड़ा बस स्टैंड है भाई, ये देखिए इसी बस से हम लोग आए थे इसमें से, ये देखिए पूरा बस स्टैंड है, इसमें हर तरफ से बस ही बस है भाई। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म, तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।